सुनाने थे, पर अब जब माता जी की जब इच्छा हो रही है तो वही सुनाते हैं। पर बाद में ये मत कहना कि जब भी आता तो यही सुनाते। और ये सबसे बड़ी बात है, हाँ वो भी सुना देंगे। तो एक बार इनकी वाली फरमाइश कर लेते हैं। नहीं नहीं कोई बात, मिली आप भजन तो बड़ा प्यारा है और मैं गाता हूँ अपने माँ के लिए और मेरी सभी माताएं मेरे समक्ष हैं कि हर बात को तुम भूलो बलि, माँ बाप को मत भूलना। तो जब मैंने अभी पहली चौपाई कही है कि होइ वही जो राम रचि राज का, तो प्रभु मूरत देखी तिन तेसी, जैसी है भावना जैसी। तो भावना अगर आपकी माँ के प्रति शुद्ध है, अच्छा कोई भी भजन गाता हो तो मैं भाव की, जैसे कि दीदी ने भाव से गाया है, तो अगर माँ का भजन चल रहा है तो आपके मन में भी माँ उपस्थित होनी चाहिए। आपको लगता है कि वो माँ है तो बिल्कुल आपको लगेगा कि कुछ भजन है और उसी भजन को गाते हैं हम। रिदम पर आप सबकी तालियां भी होनी चाहिए, रिदम पर तालियां बजाते जाइए। हर बात को तुम भूलो बलि, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूल।